हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तुषार अरोड़ा 77। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कार के ऊपर। जिन जिन लोगों को कार के अलॉय व्हील के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बहुत ही डिसेंट अलॉय व्हील एक भैया ने लगवा रखे हैं हमारे, तो आज उनसे आपकी बात कराएंगे और सबके बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं अलॉय व्हील लगाने से पहले, क्या क्या चीज़ देखनी होती है और क्या क्या चीज़ नहीं। तो सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखो, आगे मिलवाता हूँ आपको, मिलवाने वाला हूँ भैया से जिनकी गाड़ी है। तो पहले कराता हूँ भैया से बात और उसके बाद आपको दिखाता हूँ सारी पूरी गाड़ी के बारे में, ठीक है। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, नाम बताओ पहले तो अपना। मेरा नाम हिमांशु मिड्डा है। और भैया बताओ, आज हम आपकी गाड़ी के बारे में क्या दिखाने वाले हैं? आप मेरी गाड़ी के बारे में अलॉय व्हील्स एंड सिस्टम वगैरह बताने वाले हैं। तो भैया, आज हम कवर करने वाले हैं आपकी गाड़ी के सब कुछ के बारे में, ठीक है। तो दिखाते हैं। सो गाइस, बताओ कैसे लगे आपको सिनेमैटिक शॉट? भैया बताओ कुछ भाई। ये 14 इंच है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मास्क नीचे कर लेता हूँ। आप मास्क नीचे कर लो। हाँ, ये भी यार कोरोना के साथ भी यानी ऐसे चलना पड़ेगा ये तो। हाँ। सो भैया, पहले तो आप मेरे को बताओ कि अलॉय व्हील कितने इंच के हैं और क्या क्या इनमें दिक्कत आती है, उसके बारे में अंदर बात करेंगे। पहले तो मेन बात है कि आपने कितने इंच के लगवा रखे हैं और कितने इंच के इसमें नॉर्मल आते हैं, वो सारी बात आप इसमें बताओ। 14 इंच स्टॉक अलॉय है जो है, इसमें 15 इंचेस मेन अपग्रेड आता है, पर मैंने अपग्रेड नहीं करके, मैंने सेम स्टॉक टायर पे मैंने अलॉय व्हील ये अपग्रेड करवाए हैं। हाँ जी। सो ठीक है, रनिंग वगैरह ठीक है, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को लगवाए हुए, बट अभी तक वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। भैया, इसमें एवरेज वगैरह भी गिरती है कुछ ऐसा होता है? एवरेज यार यू डिपेंड ऑन यूजेस है, अगर ज़्यादा करोगे यानी ज़्यादा अलॉय व्हील ज़्यादा बड़े लगाओगे तो एवरेज वगैरह गिरने का चांसेस रहते हैं, बट मेरे को अभी तक ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि एवरेज वगैरह कम हुई हो। और टायर वगैरह का भी हिसाब पड़ता ना कुछ बड़े होते तो? बड़े प्रोफाइल होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज कम ही होगी, जो स्टॉक कंपनी जो टायर लगाती है, तो उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। अलॉय है और इसको मैंने स्टॉक टायर पर अपग्रेड किया है। ये मैंने इसके अंदर नट चेंज करवाए हैं, एक एंटी थेफ्ट नट, ये अलग से नट आता है। ये मैंने अलग अलग लगवाए हैं, एक हर टायर के अंदर एक एक नट है ये। उसमें जो अलॉय व्हील में और भी कलर थे आपके पास? नहीं, और कलर का ऑप्शन है, मेरी प्रेफरेंस यही थी। मैंने देखा था, मेरे को सिल्वर ही चाहिए थे, इसमें गन मेटल कलर आता है, ब्लैक आता है, ब्लैक रेड है, सिल्वर है, बट मेरी प्रेफरेंस यही थी। तो भैया, ये कलर भी ना मतलब कार के हिसाब से बहुत डिसेंट सा कलर लग रहा है, मतलब बहुत अजीब सा नहीं लग रहा जैसे आजकल चल रहे हैं। और जो आपने ऑरेंज कलर कराया है ये भी बहुत सही लग रहा है,
इसमें भी कोई और कलर थे? इसमें रेड था, मोस्टली लोग रेड कराते हैं, बट मैंने कहा नहीं कुछ डिफरेंट कराने का है तो गाइज आपने अलॉय व्हील की तो इन्फॉर्मेशन देख ली, अब मैं आपको भैया ने सिस्टम लगवा रखा है वो भी सुनाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाउड सिस्टम है और एक नंबर लगता है, तो मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। ठीक है भैया सुना दें? हाँ सुना दो। सुना दे, चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। एक बार NCS म्यूजिक सिस्टम लगा दो। हाँ यार ये कर देते हैं प्ले। भैया इस पर कॉपीराइट तो नहीं आने वाला ना? नहीं यार ऐसे NCS म्यूजिक। भैया कौन सी कंपनी का है? JBL की। ये JBL 1250 लगी हुई है, बॉस्टन के इसमें ओवल लगे हुए हैं, साउंड बैरियर का एम्प है, कनेक्ट की वायरिंग है, ब्लूटूथ वाला पाइनियर का मॉडल नंबर यार मैं एक बार देख लेता हूँ, TS20 लगे हुए हैं, डोर्स में फ्रंट डोर में रॉकफोर्ड के कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसमें मुझे बहुत कुछ दिख रहा है आपकी कार में, तो मैं ज़्यादा चीज़ें शायद मैं ना बता पाऊँ, आपने लगवाई है तो आप बता दोगे, तो हमारे व्यूवर्स को एक बार पूरी गाड़ी का आप खुद और अच्छे से बता दो। सिस्टम का तो मैं एज यूजुअल आपको दे ही चुका हूँ। एक ये पीछे मैंने टिप लगवा रखी है, ये इन फ्यूचर मैं देखता हूँ अगर एग्जॉस्ट पे गया तो मैं जाऊँगा। और गाइस अभी ये एग्जॉस्ट नहीं है जिसमें टिप लगी हुई है इसकी बाहर, जो कि देखने में भैया अच्छी अच्छी लगती है। हाँ तो देखिए भाई थोड़ा लुक के लिए ये टोइंग बैक लगी हुई है, जस्ट फॉर लुक। ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर भी भैया आफ्टर मार्केट है? ये आफ्टर मार्केट है, रिफ्लेक्टर भी आफ्टर मार्केट। और अंदर ये आपका बैग पड़ा है इसमें बकेट सीट कवर लगे हुए हैं और भैया ये लाइटनिंग भी लगी हुई है नीचे। हाँ इसमें अंदर ये एम्बियंस लाइट लगी हुई है जो दिख पा रही है अगर आपको। बहुत सारे कलरों में होती है ना भैया? हाँ इसमें काफी सारे कलर हैं, रिमोट के अकॉर्डिंग होती है, काफी सारे कलर्स हैं इसमें। और आगे ये मैट्स चले हुए हैं, कारपेट मैट्स चले हुए हैं। एक मैंने ये लगवाया हुआ है मोबाइल्स रखने के लिए, जस्ट फॉर लुक। भैया मुझे आपकी कार में ब्लैक मिरर भी दिख रहे हैं तो गाइस वैसे ये मैं प्रेफर नहीं करता, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि ये लगाओ, लेकिन भैया इसके बारे में फिर भी आप थोड़ा यार ये ब्लैक जी लगते ब्लैक है बट इसके बिना गाड़ी अधूरी लगती है तो इसलिए मैंने लगवा रखे हैं, बट ठीक है लगे हुए हैं लेकिन भैया अच्छी लग रही है देखने में। जस्ट फॉर लुक है, कोई बात नहीं देखेंगे जो होगा। एक बार और आवाज सुनो आप और भैया बताओ, सुना दे एक बार और अंदर से। हाँ सुना दीजिए तो ठीक है, एक बार और आप आवाज सुनो, करो भैया प्ले।
कि आपने देखा पूरी पूरी वीडियो। अब हम एक सिनेमेटिक शॉट लेने वाले हैं, रनिंग सिनेमेटिक शॉट, तो आप वो भी देखो और वीडियो पूरी बताना कैसी लग रही है। और मैंने आज बाल सेट करे हैं और कलर भी करवाए हैं, तो बताना कि कैसे लग रहे हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया, तो एक बार भैया को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भैया ने इसके ऊपर कितना स्पेंड करा है, मॉडिफिकेशन की कॉस्ट कितनी आई है। तो भैया एक बार बताओ अभी तक कितना ज़्यादा इसके ऊपर आपने खर्चा कर दिया। यार ऐसे तो शॉप की कोई कीमत नहीं होती है, काउंट ऐसे तो नहीं करा, बट लमसम अप्रॉक्स 1K आसपास मैंने इस गाड़ी पर खर्च किया। तो मतलब ये सारी इसमें लग गया, मतलब 1 लाख रुपीज़ के आसपास। तो भैया आप बता दो, हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं तो क्या क्या करना है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, तो ये सब आपको करना है। और अगर कुछ भी आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना, हम उसको अगली वीडियो में ठीक करेंगे। ठीक है भैया, और आगे भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन होने वाली है ना भैया? हाँ, मॉडिफिकेशंस की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी और भैया के साथ भी आने वाली बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।